the leader. क्या तुम्हारे पास स्लाइड है या ऐप दिखाओगे? सर ऐप दिखाओगे। आओ यहाँ बैठो। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद साद है और मैंने जो है बी आई इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया है और इसके वेब डेवलपमेंट से पहले मैं कंपनी में जॉब करता था एज अ टाइम कीपर की और भाई जो है उन्होंने ग्रेजुएशन किया तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि आपको वेब डेवलपमेंट सीखनी चाहिए और मतलब रट्टा मारने वाली आदत नहीं है, रट्टा लगता नहीं है, साफ सी जो बात है, याद करने की चीज़ें जो है ना वो याद नहीं होती, समझने वाली चीज़ें समझ में आती हैं तो प्रोग्रामिंग समझने की चीज़ है, इसलिए भाई ने भी गाइड किया कि इसमें इनरोल हो, पढ़ो, इसको सीखो। तो सिलानी में आया कोर्स, सिलानी में मैंने अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया और इनरोल हुआ। उसके बाद आई थिंक मैं शायद कुछ ही स्टूडेंट होंगे मेरी तरह जो बहुत से सेक्शन से मूव हुए। मैं पहले जब आया सर अयान मुराद के पास था, फिर मैं वहाँ से मूव होकर सर हैदर के पास गया, फिर अभी मैं रिसेंटली सर इंतजाम के पास पढ़ रहा हूँ। तो HTML अयान के पास पढ़ी है, CSS सर हैदर के पास पढ़ी है और JavaScript और बाकी चीज़ें मैं सर हैदर से पढ़ रहा हूँ, सर इंतजाम से पढ़ रहा हूँ, जितनी भी फंक्शनैलिटीज है वो सारी सर इंतजाम से पढ़ रहा हूँ। तो ये मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है, सर ने हमें लोकल स्टोरेज पे काम करना सिखाया था तो उसके हिसाब से मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है, साइन अप की और क्विज ऐप की, दोनों को मैंने मर्ज किया हुआ है, तो मैं चला कर दिखाता हूँ आपको। जैसे ही यूज़र आएगा हमारे इस मेरी इस वेबसाइट पे आएगा तो अच्छा, यूज़र जैसे ही वेबसाइट के लैंडिंग पेज पे आएगा तो अगर वो डायरेक्ट इसके अंदर कुछ भी लिखता है और लॉगिन करने की कोशिश करता है इसको तो वो लॉगिन नहीं होगा, उसको एक एरर शो होगा। ठीक है, ये देखें यहाँ पे एरर शो है, जैसे यूजर ने एंटर किया, क्योंकि यूजर ने पहले से यहाँ पे साइन अप नहीं किया हुआ, डायरेक्ट लॉगिन किया तो उसको एरर शो हुआ। ठीक है, यूजर किया साइन अप के पेज पे, वहाँ पे वो अपना नाम एंटर करेगा। ठीक है, जेंडर सेलेक्ट किया, यहाँ पे ईमेल दी, यहाँ पे मैसेज आ गया कि आपका साइन अप सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, उसके बाद साइन इन के पेज पे गए, यहाँ पे जो वहाँ पे आपने मेल लिखी थी वही यहाँ पे टाइप करेंगे। यहाँ पे यूज़र हमारा लॉगिन हो गया लोकल स्टोरेज से। ठीक है, उसके बाद जैसे लॉगिन के बाद वो क्विज, उसके सामने एक ऑप्शन आएगा जिस पर वो जाकर अपना क्विज स्टार्ट कर सकता है, वो स्टार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 20 क्वेश्चन हैं तो मैं उसमें से कुछ ही अटैम्प्ट करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि टाइम लगेगा, तो मैं कुछ जल्दी जल्दी सेलेक्ट करके आपको उसका रिजल्ट शो करता हूँ। जैसे ही लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उसके बाद उसका रिजल्ट शो होगा, जिसमें वो ये बता रहा होगा कि उसके कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और कितनी उसकी परसेंटेज बनी है। और दोबारा अगर यूज़र क्विज अटेम्प्ट करना चाह रहा है तो अगेन के बटन पे क्लिक करेगा और यहाँ पे आ जाएगा, और ये यहाँ से बैक जाना पॉसिबल नहीं है जब तक लॉग आउट नहीं करेंगे। और ये वेबसाइट मेरी फुली रिस्पॉन्सिव है तीनों डिवाइसेस पे। ये इसका टैबलेट व्यू है, ये इसका मोबाइल व्यू है और ये इसका लैपटॉप व्यू है। थैंक यू सो मच।